कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में देव दीपावली देखने के लिए दुनिया भर से लोग काशी का रुख कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 70 देशों के एम्बेसडर आ रहे हैं, दुनिया भर के वीवीआईपी आ रहे हैं और काशी में इस समय 5 से 7 लाख लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हम जहां मौजूद हैं ये पंचगंगा घाट है और हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमारे साथ हैं नारायण गुरु जी। नारायण गुरु जी सबसे पहले सन 1986 में देव दीपावली की इन्होंने विधिवत शुरुआत कराई थी। घाटों पर जो आज देव दीपावली देखने को मिलता है, हालांकि पौराणिक मान्यता तो यह है कि त्रिपुरासुर के वध के बाद देवता भगवान शिव को धन्यवाद देने के लिए काशी आए और यहां आकर उन्होंने देव दीपावली मनाई, यानी कि दीपदान किया, लेकिन सन 1986 से इसकी विधिवत शुरुआत हुई और गुरु जी उन चंद नौजवानों में से एक थे, अध्यक्ष भी थे, संस्थापक अध्यक्ष नारायण गुरु जी, जिन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी। गुरु जी सन 1986 से जो आपने शुरुआत कराई थी, आज ये एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, आपको आमंत्रण पत्र मिला क्या? हमको क्या जरूरत है, मैं गंगा का भक्त हूँ, काशी में जन्मा हूँ, क्या हमारे लिए बाबा भोलेनाथ का ये उत्सव हो, इस उत्सव में हमको शासन प्रशासन से क्या मतलब, जनता द्वारा, जनता ही जनार्दन है, और जनता ही हमको देती थी, तो हमारे लिए तो जनता सबसे बड़ी चीज़ है। जो आज जनता घेर रही है, जनता से ही काम हो रहा है, ये कार्यक्रम देव दीपावली जनता द्वारा जनता के लिए था। लेकिन अब तो स्वरूप बदल गया है ना? ओहो आप नहीं समझे, उस समय का जो दीपक जलता था, जिस प्रकार मैंने शुरुआत किया था, आपको एक चीज़ बता देना चाहो, शुरुआत में कैसे क्या भया, देव दीपावली एक भीख मांग कर मैंने शुरू किया हूँ। हकीकत यह है मैं भिखमंगा जरूर हूँ, जाते ब्राह्मण तो भिखमंगा ही समझिए, महामना मालवीय जी की तरह। अब ये हम नहीं अपना उनसे तुलना नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, हर घरों में एक पत्रक दिया और कार्तिक मास का महत्व, दीपक का महत्व, पंचगंगा घाट का स्नान का महत्व, हर घर में एक संदेश दिया कि आओ घाट पर जलाओ दिया और आपके पाप कटेंगे, भाग्य उदय होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये हमारा ऐलान था। गंगा नहाओ, विष्णु पादा विषम भूते गंगे त्रिवित गावनी, ब्रह्मा के कमंडल विष्णु के चरण, ये सारी पौराणिक जो विषय है उसको मैंने लिया। दीपक जलाने से क्या क्या फायदा जो उस समय मैंने दिया, कीटा प्रतंगा मन विख्या जले सले वितरण जीवा, ये दीपक जलाने से क्या क्या फायदा हुआ, कीटा प्रतंगा ये सब मरेंगे, वृक्ष भी है, सारी बात कथा बहुत लंबा नहीं ले जाना है, ये लोगों के दिया। शाम को हर दुकान पर पान के चाय के दुकान पर कनस्टर रख दिए और सबको चिट्ठी दे दिए, सब लोगों ने एक एक किलो तेल जो है उसी कनस्टर में छोड़ते चले गए। मतलब घर के लोग अपने घर से तेल ले आ जाके जमा करते थे और जो न जमा करे 10 रुपया थमा देते, उस समय 100 दीपक का लागत हमारा 10 रुपया पड़ता था। शाम को जब हम घाट पर तेल और दिया लेके हुए, जनता उतरे और रविवार का दिन था, तिथि एक कम था, और हमारे मुख्य अतिथि काशी विभूति नारायण सिंह जी थे, वो आए देखे, जनता जब जला पूरा दीपक, दुर्गा घाट बिंद माधव ये कुनिया घाट कहते हैं जो पंचगंगा का मुख्य ये मान रहे हैं, इसके बाद ये बाला घाट है और फिर जटायर घाट, इस 5 घाट 5 सीढ़ियाँ और ये पंचगंगा तीर्थ हमको विश्वास है कि और पृथ्वी पर कहीं नहीं है, 5 नदियों का संगम कहीं नहीं है, यही है। ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक यह स्थान जो शक्ति का, सूर्य के अंश से किरणा, चंद्र के अंश से धूत पापा और शिव के अंश का गंगा, ऐसी नदियों के बीच में क्या बात है, हम आपको क्या बतावें। देव दीपावली 1986 में यहाँ शुरू हुआ, जनता द्वारा जनता के लिए सहयोग से ही ये कार्य शुरू हुआ, और जनता में यह मोमबत्ती लेकर खड़ा होता था, जनता इधर जा रही है, अब भाई दिया जलाओ, 15 लाख दीपक तो अब कहते हैं, उस समय 10 लाख भी दीवा जो जलते थे, 8 लाख जलते थे, 10 मिनट में पूरा दीपक जल जाते थे। अच्छा आज जो स्वरूप है, आखिरी सवाल, आज जो स्वरूप है, आतिशबाजी हो रही है, लेजर शो हो रहा है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, तो
कोई चीज़ आपको लग रहा कि कोई चीज़ ऐसी है भी जो खो चुकी है? आपको हम क्या बतावें, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। 90 करोड़ रुपया से ज़्यादा पर्यटक विभाग को देव दीपावली से आ रहा है, या पाए नोट मिल गया है। हम लोग चंदा उतार के करते थे, तो चंदा वाला तो हर आदमी तो सोच सोच के ना खर्चा करेगा, सरकार का पैसा है। अब सरकार को कमाना है, एक दुकानदारी है, हमको तो कमाना नहीं है, हमको तो जनता का है, जो दिया दक्षिणा अपना तो अपने जेबा में, नहीं दिया तो भी खुद। तो दुख होता है कि सरकार ने आमंत्रण नहीं दिया, प्रशासन ने आपको आमंत्रण नहीं दिया? दुख तो क्या करेंगे, दुख तो हमारा एक सिद्धांत रहा है गुरुदेव, आप लोग को बता दूं, जो जहर पिएगा समाज का वही शंकर बनेगा। चलिए, तो नारायण गुरु जी संस्थापक अध्यक्ष थे, इनका कहना है कि जनता के द्वारा जनता का जो त्यौहार था अब इसको एक तरीके से कमाने खाने का जरिया बना लिया गया है, इसको फेस्टिवल का रूप तो दिया गया है, इसको ग्लोबल भी बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन तमाम कोशिशों में जो मूल आत्मा है इस पर्व देव दीपावली का, वो जो इसकी पौराणिकता थी वो कहीं ना कहीं खोते जा रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।